गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसटीएस सिस्टम जो है वो कंप्लीट कर लिया था सर। प्रणाम सर। इंद्र आपको खुश रहो बच्चे। सर हाँ बच्चे बोलो सर। इस बार का टेस्ट का सिलेबस। इस बार के टेस्ट का सिलेबस क्या क्या देते बोलो। इस संडे को ही है ना। यस सर संडे को ही है ना। हाँ प्लांट फिजियोलॉजी पूरा दे दीजिए और इसमें दे देते हैं और ये ब्रीदिंग तक दे देते हैं। रेस्पिरेशन ठीक है ना। डाइजेशन और रेस्पिरेशन। प्लांट फिजियो पूरा और डाइजेशन और रेस्पिरेशन ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। प्रणाम सर। खूब खुश रहो बच्चे। चलो कंटिन्यू करें। जी सर। यस सर। चलो तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि रेस्पिरेशन क्या होता है। क्या होता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हमने पढ़ा था। वहां पर हमने देखा था कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है। बताओ बताओ क्या होता है रेस्पिरेशन। जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। क्या हम उसे रेस्पिरेशन बोलते हैं जिसमें O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। सर वो ब्रीदिंग है। देखो एक्चुअल में रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म को ATP प्रोड्यूस करने की पावर आती है। वो क्या करता है रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट वगैरह को ऑक्सीडाइज करके ATP बनाता है। लेकिन वो काम करने के लिए वो ऐसा नहीं कि सिंगल स्टेप में हो जाए। उस काम को करने के लिए मतलब बॉडी के अंदर स्पेशल सिस्टम भी हो सकता है जिसकी हेल्प से वो ये काम कर रहा है ठीक है। तो रेस्पिरेशन को जब हम नॉर्मली डिफाइन करेंगे तो रेस्पिरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। बोलेंगे कि रेस्पिरेशन इट इज द प्रोसेस। गुड आफ्टरनून सर। बाय विच एनर्जी और ATP इज प्रोड्यूस्ड by oxidation of respiratory substrate. Oxidation of respiratory substrate. तो वो प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है और उससे ATP प्रोड्यूस होती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं रेस्पिरेशन। एग्जैक्टली डेफिनेशन की बात करें तो एक सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। बट जब हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर देखते हैं तो देयर मे बी सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ CO2। देयर मे बी सम स्पेशलाइज्ड organ or system, organ system that helps in
uptake of O2, uptake of O2 and removal of CuP. And elimination of CuP. तो हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है, क्योंकि प्लांट के अंदर हमने पढ़ा था तो प्लांट में तो ऐसा कुछ नहीं था, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रहा था, लेकिन हम देखते हैं एनिमल्स के अंदर तो वहां पर क्या हो सकता है, वहां पर कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हो सकते हैं, ठीक है, जो O2 और CO2 को के रिमूव, O2 को लेने में और CO2 को एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। अब लोअर ऑर्गेनिज्म यहाँ पर देखे थे, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म तो सिंपल डिफ्यूजन से ही ऑक्सीजन जो है उसको लेते हैं, CO2 को अपटेक करते हैं, कौन कौन है वो, इट अकर्स बाय यानी एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 स्पॉन्ज वगैरह, स्पॉन्जेस के अंदर और सीलेंट्रेटा, यस, सो एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 विद एनवायरनमेंट occurs by simple diffusion in protozoans, sponges, coelenterate, उसके अलावा लेडी हेलमेंथिस, एस के हेलमेंथिस करते पूरा, एस के हेलमेंथिस इवन स्किन से ही कौन कर लेते हैं, थ्रू स्किन इन एनेलिड्स, ठीक है, तो इनके अंदर हम क्या देख रहे हैं, डिफ्यूजन के थ्रू ऐसा हो जा रहा है, सिंपल, कोई बहुत स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में देखते हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्रेकिया वगैरह प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा, पढ़ा हुआ है हमने, ट्रेकिया वगैरह होते हैं, स्पेरिकल से एयर जो है वो एंटर होती है, देन गिल्स जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, गिल्स प्रेजेंट इन एक्वेटिक एनिमल्स, मोलस्क हैं, क्रस्टेशियंस हैं और एमीबॉइड्स हैं, ठीक है, उन सब के अंदर क्या होगा, गिल्स होगा, और लंग्स इन हायर एनिमल्स, इसके अंदर वर्टिब्रेट्स के अंदर, हु लिव्स ऑन प्लांट। तो हम देखते हैं कि ना ये जो बातें अभी की ये तो हमने पहले पढ़ी हुई है, कुछ नई बात नहीं है यहाँ पर, रेस्पिरेशन क्या होता है, किसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी जानते थे, यहाँ पे जस्ट मैंने टिक दिया क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं सीधे किसकी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, एक्सटर्नल लेयर्स और नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है। ह्यूमन के अंदर कहाँ से स्टार्ट होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। हमारे अंदर कैसी कंडीशन होती है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल की बात करें तो हमारे अंदर कैसी कंडीशन होती है, हमारे अंदर कंडीशन होती है डायराइनस कंडीशन। क्या होता है डायराइनस कंडीशन, ह्यूमन के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो बॉडी के बाहर ओपन हो रहा है वन पेयर ओपनिंग से, नोज जो है वहां पर एक जोड़ी छेद होते हैं जिसे हम क्या बोल देते हैं डायराइनस कंडीशन। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो है वहां से ये
ओपन होगा कहां पर, एनवायरनमेंट में, यहां से एयर की एंट्री होगी बॉडी के अंदर। जैसे ही एक्सटर्नल लेयर्स के नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं तो क्या आ जाता है, नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर के अंदर भी जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लेयर किसमें ओपन होगा, एक्सटर्नल लेयर या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल किसमें ओपन होगा, नेसोफेरिंक्स में, वेस्टिब्यूल के, हाँ नेजल वेस्टिब्यूल बोल सकते हो, नेजल वेस्टिब्यूल। कौन सा पोर्शन है नेजल वेस्टिब्यूल, यहाँ पर डायग्राम के अंदर देखो, ये तो ओपनिंग हो गई यहाँ पर, ये ओपनिंग एक्सटर्नल लेयर होगी, और इसके ठीक पास में ये वाला जो रीजन होता है नोज का, यहाँ पर तुमने ऑब्जर्व किया होगा क्या होता है, यहाँ पर हेयर्स वगैरह प्रेजेंट हो, छोटे छोटे रोम होते हैं। क्या काम होता है इस रोम का, एयर को फिल्टर करना, एयर यहाँ से अंदर जाएगा, एयर यहाँ से अंदर जाएगा तो यहाँ पर जो वेस्टिबुलर रीजन है, इस रीजन में क्या होता है, इस रीजन के अंदर हम देखते हैं कि स्मॉल हेयर्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। स्मॉल हेयर और सेबेशियस ग्लैंड्स जो है वो यहां पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्या देखोगे तुम कि ये वाला पार्ट जो है ये क्या करता है, इट फिल्टर्स द एयर, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल या कुछ होगा तो वो इन रोम के थ्रू, नेजल जो हेयर है, स्मॉल हेयर्स हैं, उनके थ्रू क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। तो ये वाला फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है कौन, ये वेस्टिब्यूल वाला रीजन। क्लियर हो गई इतनी बात, क्लियर है क्या सब बच्चों को, कहीं पे डाउट लग रहा है क्या इतनी बात में? चलो तो फिर दो पोर्शन के बारे में तुम्हें पता पड़ गया। अब नेक्स्ट पोर्शन की बात करते हैं, थर्ड पोर्शन। अब इसके बाद में वेस्टिब्यूल के बाद में आता है नेजल चैम्बर, वेस्टिब्यूल के बाद में नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर में हम क्या देखते हैं, नेजल चैम्बर में हम देखते हैं कि बोनी प्रोजेक्शंस वगैरह रहते हैं, इसे हम नेजल टर्बाइन भी बोलते हैं यहां पर। और इस नेजल टर्बाइन की वजह से जो नेजल चैम्बर है उसमें कुछ प्रोजेक्शंस बन जाते हैं, देख रहे हो ये तीन प्रोजेक्शन, क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं कॉन्का, नेजल कॉन्का। तो जो सबसे ऊपर होगा उसे बोल देंगे सुपीरियर नेजल कॉन्का, फिर इसके बाद में मिडल नेजल कॉन्का, और सबसे नीचे वाला जो होगा उसे क्या बोल दोगे, इंफीरियर, यस इंफीरियर नेजल। तो इस तरीके से जो नेजल चैम्बर है उसके अंदर कुछ प्रोजेक्शन होते हैं, यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है नेजल टर्बाइन, और ये क्या करता है, ये प्रोजेक्शंस वगैरह जो हैं वो इस नेजल चैम्बर को कुछ इस तरीके से चेंज कर देते हैं, यहाँ पर ऐसा मॉडिफिकेशन लाते हैं ताकि जो एयर अंदर जा रहा है, ये एयर जो यहाँ से अंदर गया, ये अंदर जब इन नेजल कॉन्का से टकराएगा, इनसे जब टकराएगा तो क्या होगा, तो इसका टेम्परेचर, एयर जो है उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा, ह्यूमिफिकेशन करेगा। तो यहां पर नेजल चैम्बर में क्या देख रहे हो, नेजल चैम्बर में देख रहे हो क्या प्रेजेंट है, नेजल कॉन्का या कॉन्की भी बोलते हैं, इज प्रेजेंट दैट ब्रिंग्स द टेम्परेचर of air to body temperature, body temperature के बराबर ये temperature को लेके आ जाएगा, ठीक है, घुमावदार बना दिया इसने, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा अब एक और important बात ध्यान रखना कि जो nasal cone का होता है इसके ऊपर जो membrane होती है उसे हम बोलते हैं Schneiderian membrane। कौन सा part है ये vestibule का, olfactory part, this forms द ऑल्फैक्टरी पार्ट, मतलब ऑल्फैक्टरी पार्ट मतलब बोलो, क्या बोले, सूंघने में हेल्प करता है,
ऑल्फेक्शन में यानी सूंघने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, दिस पार्ट इज दिस फॉर्म द ऑल्फेक्टरी ऑल्फेक्टरी पार्ट हैविंग स्निडेरियन मेम्ब्रेन, स्निडेरियन मेम्ब्रेन जहां पर क्या प्रेजेंट होता है, ऑल्फेक्टरी एपिथीलियम प्रेजेंट होता है, ऑल्फेक्टरी एपिथीलियम यानी यहां पर क्या होता है, यहां पर सेंसरी एपिथीलियम होता है, क्या होता है सेंसरी एपिथीलियम, ऑल्फेक्टरी एपिथीलियम जिसकी वजह से हमें स्मेल वाला सेंस जो है वो पता पड़ता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई सर जी? डॉर्सल साइड पे होता है ना? हाँ ये डॉर्सल साइड पे होता है, ठीक है, नेजल कॉन्का वाले पूछ, ठीक है हाँ। तो यहाँ पर हमें जो है वो क्या पता पड़ गया कि ये वाला पोर्शन आगे वाले पोर्शन में नहीं है, यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ पर है, इस वाले पोर्शन में। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, वेस्टिब्यूल, नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के अंदर हमने क्या देख लिया, नेजल कॉन्का वगैरह जो है वो प्रेजेंट है और वहां पर स्निडेरियन मेम्ब्रेन है। ये एयर का टेम्परेचर जो है वो बॉडी टेम्परेचर के बराबर लाता है, साथ ही एक और भी चीज में हेल्प करता है, एयर के ह्यूमिफिकेशन, एयर को ह्यूमिड भी बनाने का काम करेगा। क्या ये वाला पार्ट क्लियर हो गया? चलो तो फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता हूं। अब ये जो नेजल चैम्बर है ये ओपन होगा किसके अंदर, नेजोफेरिंग्स के अंदर। नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा, नेजोफेरिंग्स। तो नेजल चैम्बर जो है वो नेजोफेरिंग्स में ओपन होता है किसके थ्रू, इंटरनल लेयर्स के थ्रू, किसके थ्रू, इंटरनल लेयर्स, इसके थ्रू क्या होता है, नेजल चैम्बर ओपन्स इन नेजोफेरिंग्स। क्या होता है नेजोफेरिंग्स, थ्रू इंटरनल लेयर्स। अब देखो फेरिंग्स के दो पार्ट होते हैं, पता है सबको कि ये फेरिंग्स के दो पार्ट है, एक ऊपर वाला पोर्शन है एक नीचे वाला पोर्शन। ऊपर वाला पोर्शन क्या है, नेजोफेरिंग्स, नीचे वाला ओरोफेरिंग्स, कॉमन फेरिंग्स में होता है। तो ये जो ओपनिंग होगी यहाँ पर, इस ओपनिंग को हम क्या बोल देंगे, इस ओपनिंग को बोल देंगे हम इंटरनल लेयर। एक्सटर्नल लेयर ये वाला पोर्शन, इंटरनल लेयर ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसके थ्रू आ गया नेजोफेरिंग्स में। अब नेजोफेरिंग्स जो है ये यहाँ पर एक कॉमन फेरिंग्स वाला चैम्बर आ जाएगा और इस कॉमन फेरिंग्स से ये कहां पर ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर तुमको पता है दो ट्यूब होती है, ठीक है, एक फूड पाइप होता है, एक विंड पाइप होता है। बताओ कौन सा डॉर्सल कौन सा वेंट्रल, बोलो। फूड पाइप जो है वो डॉर्सल पे है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स ओपन्स इन लैरिंग्स, आगे क्या होगा, फेरिंग्स ओपन इन ओपन्स इन लैरिंग्स बाय द हेल्प ऑफ ग्लॉटिस, ग्लॉटिस, यस ग्लॉटिस इज द ओपनिंग, ठीक है। और ये जो लैरिंग्स होता है दैट इज प्रेजेंट वेंट्रली, नीचे की तरफ होता है। और यहाँ पर तुम देख रहे हो एडम्स एप्पल जो है हमारा, वो क्या बता रहे हैं, वो लैरिंग्स को बता रहे हैं। तो ठीक इसके ऊपर ग्लॉटिस जो है वो प्रेजेंट होगा और वहां पर जो कार्टिलेज होता है उसके पास में होता है एपिग्लॉटिस। तो यहाँ पर क्या है, लैरिंग्स है, ये वाला पार्ट लैरिंग्स, डिटेल में देखेंगे अभी लैरिंग्स को। फिर ये लैरिंग्स जो है वो कंटिन्यू होता है किसके अंदर, ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया कैसा होता है, ट्रेकिया इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से लेकर के थोरेक्स तक आएगा। थोरेक्स में यहाँ पर जो कौन सा वर्टिब्री होगा, T5 होगा यहाँ पर फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री जो होता है उसके पास में ये ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, कौन सा, जिसको हम बोल देते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस जो है वो डिवाइड होंगे आगे फर्दर और भी, और फिर क्या होगा, फिर ये प्राइमरी ब्रोंकस है, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, फिर ब्रोंकियोल्स वगैरह, फिर उसके बाद में रेस्पिरेटरी ट्री एल्वियोला, ये सब होगा। और दोनों हमारे यहाँ पर क्या देख रहे हो, जो थोरेसिक केज है उसके अंदर वन पेयर लंग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। राइट लंग जो होता है वो और लेफ्ट लंग डिफरेंस क्या होगा, लेफ्ट लंग के अंदर तुम्हें ये दिखेगा, क्या है ये, कार्डियक नोच। लेफ्ट लंग में कार्डियक, क्योंकि यहाँ पर हार्ट है, मीडियास्टिनल कैविटी जो है उसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हार्ट है हमारा, ठीक है। तो इसकी वजह से एक नोच बन जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नोच। तो लेफ्ट लंग में कार्डियक नोच प्रेजेंट होगा।
राइट लंग में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर, वन एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर, और यहाँ पर सिर्फ दो ही होगा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो ऐसे हार्ट के अंदर राइट वाले में लंग्स में राइट वाले में 3 लोब और लेफ्ट वाले में 2 लोब जो है वो प्रेजेंट होते हैं। थोरेसिक केज जो है वो बन रहा है किससे? यहाँ पर रिब्स हैं, ऊपर क्लेविकल होता है, ये क्लेविकल बोन है ये वाली, ठीक है, नीचे डायफ्राम होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स को डिटेल में देखेंगे ये करके, सबसे पहले लैरिंग्स की डिटेल देखें। देखो लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। ये हमारा वॉइस बॉक्स है, यहाँ से साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं। अब ये फ्रंट से देख रहे हैं, फ्रंट से हम देखते हैं लैरिंग्स जो है मेनली कार्टिलेज से बने हुए हैं, और कार्टिलेज आपस में लिगामेंट से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से कार्टिलेज होते हैं मेनली? यहाँ पर 4 कार्टिलेज होते हैं। एक होता है थायराइड, थायराइड कार्टिलेज। सर हाँ बच्चे, सर प्लीज एक बार प्रीवियस पेज आप लिख जाएंगे। ठीक है, यस सर, थैंक यू। सेकेंड कार्टिलेज जो है वो है यहाँ पर क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, थर्ड है एरेटिनॉइड कार्टिलेज, और फोर्थ है कॉर्निकुलेट, तो हम कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी भी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो ये कैसे अरेंज होता है, देखो क्या होता है, ये जो थायराइड कार्टिलेज है, ये डायग्राम देखो बहुत सही से दिख रहा होगा यहाँ पर। थायराइड कार्टिलेज जो होता है, हाइलाइन कार्टिलेज है, ये हाइलाइन कार्टिलेज है, थायराइड क्रिकॉइड भी हाइलाइन है, एटिनॉइड भी हाइलाइन है, और ये इलास्टिक कार्टिलेज सेंटोरिनी वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कार्टिलेज होता है ये सी शेप का होता है। थायराइड कार्टिलेज कैसा है? सी शेप का है। यदि ऊपर से देखोगे, सपोज हम देख रहे हैं कोई पर्सन है, उसका नाक है, उसका सर है, ठीक है, और मान लो यहाँ पर उसका गला है, यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर यदि हम थायराइड कार्टिलेज को देखें, लैरिंग्स थोड़ा सा प्रोजेक्टेड है, यानी ये मेल है और ये इसका एडम्स एप्पल है, एडम्स एप्पल। तो ये कार्टिलेज जो है वो कुछ इस शेप का दिखेगा, ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। कौन से शेप का दिख रहा है? सी शेप का, इस टाइप का कार्टिलेज, क्रॉस सेक्शन। यानी इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो कैसे दिखेगा? सी शेप का। ये एंटीरियर व्यू, जैसे कि कोई हमारी तरफ मुंह करके खड़ा होगा तो हमें इस टाइप से दिखेगा एंटीरियर। तो हेलेन कार्टिलेज जो है वो सी शेप का होता है इस तरीके से, और क्रिकॉइड कार्टिलेज इसके ठीक नीचे होता है। थायराइड कार्टिलेज के ठीक नीचे जो है वो होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज, और क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है वो सिग्नेट रिंग जैसा होता है। सिग्नेट रिंग जैसा मतलब रिंग जैसा ही है, जैसे हम रिंग पहनते वैसा है। तो अब रिंग जैसा है यदि, तो तुम क्या देखते हो, जैसे हमारा रिंग है मान लो, इधर से ब्रॉड है, इधर से नैरो है, इस टाइप का है, एक साइड से ब्रॉड, एक साइड से नैरो, बिल्कुल वैसा ही है ये कार्टिलेज जो है वो। जैसे मान लो थायराइड कार्टिलेज, यदि मैं लेटरल व्यू, ये वाला जो सेकंड व्यू यहाँ पर लेटरल व्यू तुम्हें दिख रहा है वो बना रहा हूँ, मान लो ये है थायराइड, तो क्रिकॉइड कैसा होगा? लेटरल व्यू देख रहे हैं हम, साइड से देख रहे हैं, ये एडम्स एप्पल है। तो यहाँ पर जो क्रिकॉइड कार्टिलेज होगा वो इस साइड से ब्रॉड होगा, यहां से ब्रॉड होगा और यहां से नैरो होगा, कुछ इस तरह से, समझ गए। और ये कंप्लीट रिंग की तरह है, जो इस साइड से, यानी जो डॉर्सल साइड, ये डॉर्सल साइड होगा, ये वेंट्रल साइड होगा, तो डॉर्सल साइड से नैरो, वेंट्रल साइड से ब्रॉड होगा, तो इस टाइप का कार्टिलेज जो होता है वो होता है कौन सा? क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये थायराइड, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज। अब क्या होता है देखो, एरेटिनॉइड कार्टिलेज जो है वो, नहीं नहीं रुको, ये उल्टा हो गया, क्या उल्टा हो गया, ये
एक मिनट, उल्टा मींस थायराइड जो है वो इधर से हमें ब्रॉड दिखेगा, क्रिकॉइड जो है वो डॉर्सल साइड से ज्यादा, क्रिकॉइड जो है वो यहां से ज्यादा, इधर से नैरो, ऐसा, ठीक है। तो सिग्नेट रिंग का मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन ब्रॉड, ये वाला पोर्शन नैरो जो है वो होता है, ये कंप्लीट रिंग की तरह होगा और यहां पर बीच में इनको कनेक्ट कर रहे होंगे क्या, लिगामेंट, थायरोक्रिकॉइड लिगामेंट जो है वो इन्हें जोड़ रहे हैं कुछ इस तरह, ये है लेटरल, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, जो डॉर्सल साइड है उस डॉर्सल साइड पे दो ऐसी लंबी लंबी कार्टिलेज है वो यहां पर प्रेजेंट होती है ऐसे, इस टाइप, ये देखो इस डायग्राम के अंदर ये थायराइड कार्टिलेज है, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ये डॉर्सल साइड है इधर, तो यहां पर देखो, ये देखो कौन सा कार्टिलेज है, एरेटिनॉइड कार्टिलेज, यहां पर है एरेटिनॉइड कार्टिलेज, और इस एरेटिनॉइड कार्टिलेज जो है इसके ऊपर प्रेजेंट होगा क्या, इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे छोटे छोटे से गोला गोल टाइप के कार्टिलेज जिसे हम बोल देते हैं कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, और यहां पर होता है क्या, इसके ऊपर एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस होगा इस जगह पर, यहाँ जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे हो तुम, ये थायराइड कार्टिलेज है इस जगह पर होगा, ये एपिग्लॉटिस जो होता है जब भी ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, जब हम कुछ सॉलो करेंगे तो क्या होगा, ये इसको क्लोज करने का काम कर देगा और हमारा विंड पाइप जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से लैरिंग्स की स्ट्रक्चर होती है, क्लियर हो गई सब बच्चों के बाद, लैरिंग्स के अंदर कौन कौन सा कार्टिलेज है, थायराइड कार्टिलेज ये वाला है जो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, ये एंटीरियर साइड पे ब्रॉड होगा, पीछे से इनकम्प्लीट है, सी शेप का होता है, क्रिकॉइड कार्टिलेज सिग्नेट रिंग जैसा है, एंटीरियर से नैरो होता है, यहां से नैरो होगा, पीछे से ब्रॉड होगा, इस साइड से ब्रॉड होगा, ठीक है, और पीछे की साइड पे इसके ऊपर कार्टिलेज होता है एरेटिनॉइड कार्टिलेज, और उसके ऊपर छोटा सा कार्टिलेज होता है करने का काम करता है, कौन, एपिग्लॉटिस, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर होते हैं क्या, इसके अंदर होते हैं दो टाइप के मेम्ब्रेनस टाइप की स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, वोकल कॉर्ड्स। तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड की यदि हम बात करें तो वोकल कॉर्ड जो है दो टाइप का, एक होता है ट्रू वोकल कॉर्ड और एक होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड। जो ट्रू वोकल कॉर्ड है, ट्रू वोकल कॉर्ड है वही साउंड प्रोड्यूस करता है, ट्रू वोकल कॉर्ड जो होगा वही क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, फॉल्स वोकल कॉर्ड जो होंगे वो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं, बल्कि किस चीज में हेल्प करते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड जो होता है वो थोड़ा होता है, ये थोड़ा इनफीरियर होता है, और फॉल्स वोकल कॉर्ड जो होते हैं, फॉल्स वोकल कॉर्ड जो होता है वो सुपीरियर होता है, ये ट्रू वोकल कॉर्ड जो है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस साउंड। नॉर्मल कंडीशन में जब हम बोलते नहीं है उस टाइम पे ये लूज होता है, तो क्या होता है, हवा इसके ऊपर जाती है तो वाइब्रेट नहीं करता, बट जब हमको बोलना होता है तब क्या करते हैं, हमारी मसल इसको क्या कर देती है, टाइट कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, फिर जब यहाँ पर एयर पास करती है तो साउंड प्रोड्यूस हो जाता है, फॉल्स वोकल कॉर्ड जो है वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि इसकी प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो वोकल कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसा होता है लैरिंग्स, लैरिंग्स की स्ट्रक्चर क्लियर है सब बच्चों को, क्लियर है। लैरिंग्स के बाद में नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट देखो, अब ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ये सब क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, देखो लैरिंग्स जो है वो ओपन हुआ किसके अंदर, वो ओपन हुआ ट्रेकिया के, और ट्रेकिया जो होता है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट है वेंट्रल साइड पे, और यहां पर ट्रेकिया जो होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो है, मान लो कुछ इस टाइप का, ये मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है,
तुम्हें थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी बता दूंगा साथ में। अब यहाँ पर क्या होता है, ट्रेकिया जो होता है उसके अंदर इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है कार्टिलेज की। क्या काम होता है उसका? चिपकने से बचाती है ट्रेकिया, yes, ताकि ये कोलैप्स ना हो, उसको खुला रखे ये, उसके लिए यहाँ पर सी शेप की रिंग प्रेजेंट होती है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, आयरन कार्टिलेज। वो कहाँ पर दिख रहा है? वो मुझे इस डायग्राम में ये दिख रहा है। ये सी शेप्ड कार्टिलेज है और ये हाइलाइन कार्टिलेज जो है यहाँ पर पीछे की तरफ से इनकम्प्लीट है, यानी कौन से पार्ट में इनकम्प्लीट है? डॉर्सल साइड में इनकम्प्लीट है। और यहाँ पर एक मसल होती है जिस मसल को हम क्या बोल देते हैं, ट्रेकियलेरिस मसल। एक मसल जो है वो यहाँ पर जुड़ी है। मसल यदि कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो थोड़ा नैरो हो जाएगा, रिलैक्स रहेगी तो थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, तो उस चीज में ये मसल हेल्प कर रही है इसको। ये मसल का नाम क्या बोले? रिंग, ट्रेकियलेरिस मसल। ट्रेकियलेरिस मसल, ठीक है। अब यदि हम इसकी एनाटॉमी यदि देख रहे हैं ठीक से, तो सबसे अंदर जो लेयर होती है वो क्या होती है, जैसा हमने कहां पर देखा था, जैसा हमने देखा था माउथ वगैरह के अंदर, माउथ बोल रहा हूँ, जो एलिमेंट्री कैनाल था उसके अंदर, सबसे अंदर वाली लेयर यहाँ पर क्या होगी? म्यूकोसा। म्यूकोसा, ठीक है। थोड़ी बहुत फोल्डिंग जो है वो हमें यहाँ पर म्यूकोसा की दिखेगी, बहुत ये वाला पार्ट जो है वो म्यूकोसा है, इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स वगैरह भी होती है, ये है म्यूकोसा। म्यूकोसा के नीचे वाला पोर्शन जो होगा वो क्या होगा? सब म्यूकोसा। ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है? सब म्यूकोसा। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, देन सी शेप की रिंग और उसके अंदर ट्रेकियलेरिस मसल। और ये सबसे बाहर जो येलो कलर की लेयर है ये क्या है? कवरिंग होगी। क्या वो किस चीज की बनी होगी? ये ट्यूनिका एडवेंटिशिया होगी, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ये लेयर होगी। तो ये हिस्टोलॉजी होती है, इस टाइप का होता है हमारा क्या, ट्रेकिया, जिसके अंदर ये जो सी शेप्ड रिंग है इनका टोटल नंबर कितना होता है बोलो? टोटल नंबर 16 से 20, ऐसा सी शेप का रिंग जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है, ओके। तो ये बात हो गई कहां पे, ये हमने ट्रेकिया की स्ट्रक्चर जो है वो देख ली। अब क्या होता है, जब ट्रेकिया यहां पर T5 के लेवल पे, जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री है उसके लेवल पे डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड करता है यहाँ पर, तो कन्वर्ट तो बनाता है क्या, ब्रोंकाई। ये ट्रेकिया जो है वो क्या करेगा, नीचे की तरफ आया हमारे मीडियास्टिनम में। मीडियास्टिनम क्या होता है, ये दोनों लंग्स के बीच वाला जो स्पेस होता है, मीडियास्टिनम स्पेस जो है वहां पर आया हार्ट के ठीक ऊपर, T5 लेवल पे डिवाइड हो गया। किसके अंदर डिवाइड हो गया? दो पर्टिकुलर पार्ट जो है वो बना दिए इसने, दो मेन ब्रांच बना दी। और वो दोनों मेन ब्रांच में से, खास बात यदि मैं तुम्हें बताऊं तो क्या होगा, राइट वाली ब्रांच ज्यादा ब्रॉड होगी और ज्यादा नीचे की तरफ होगी, लेफ्ट वाली ब्रांच जो है वो थोड़ी सी पतली होगी और लंबी होगी इस तरीके से। अब यहां तक तो इनकम्प्लीट रिंग थी, अब क्या हो जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर जो रिंग है वो कार्टिलेजिनस रिंग है वो एब्सेंट की प्रेजेंट, प्रेजेंट सी शेप की पूरी कंप्लीट रिंग पूरा होगा। अब कंप्लीट रिंग ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स के अंदर ये जो रिंग होती है वो कंप्लीट होती है कुछ इस तरीके से, समझ गए? राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में डिफरेंस पता पड़ गया सबको, प्राइमरी ब्रोंकस राइट वाली ब्रॉड होती है। यदि मान लो कोई बच्चा जो है वो कुछ निगल, कुछ जो है वो उसके ट्रेकिया में चला जाए, मान लो एक छोटे से गोले से खेल रहा था और उसने क्या किया, उसने उसे अनोइंगली क्या किया, उसके ट्रेकिया में चला गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया, जाके उसके कहां पर ज्यादा अटकने के चांस है, राइट वाले
लंग में कि लेफ्ट वाले में? कहां पर अटकने के चांस ज्यादा है, राइट की लेफ्ट? राइट 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 क्यों राइट वाले में? क्योंकि तुम ये देख रहे हो ये ज्यादा स्टीप है, देख रहे हो, तो यहां से लुढ़क करके इधर जाने के चांसेस ज्यादा होंगे, सही बात है कि नहीं है? और अब ये जो राइट वाला है वो कैसा है, ब्रॉड है, शॉर्ट है? लेफ्ट वाला जो है वो कैसा है, वो लेफ्ट वाला जो ब्रोंकाई है वो कैसा है, वो है रिलेटिवली नैरो एंड लॉन्ग। अब इसका डिवीजन जो है वो लोब के अकॉर्डिंग होता है आगे, यानी राइट वाले की कितनी ब्रांचिंग बनेगी बता सकते हो क्या? राइट लंग में कितने लोब दिख रहे हैं? तीन। तीन, तो कितनी ब्रांचिंग होगी? थ्री। क्या है ये? सेकेंडरी ब्रोंकस। लेफ्ट वाले की कितनी ब्रांचिंग होगी? दो। तो इस तरीके से क्या होता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई बनता है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई, अब सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वो आगे जाएगा टर्शियरी ब्रोंकाई बनाएगा, फिर क्या बना देगा, उससे और डिवीजन बनेंगे तो ब्रोंक्योल्स बनेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से ये डायग्राम जो है इसमें तुम्हें सारा कुछ दिख रहा है कि कहाँ पर प्राइमरी ब्रोंकाई है, ब्रोंकस है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, ब्रोंक्योल्स है, टर्मिनल ब्रोंक्योल्स है, और लंग के अंदर कितने लोब हैं वो सारा भी यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है। क्लियर हो गई ये बात? अब यहाँ पर ये जो है ब्रोंकाई का जो लास्ट पार्ट है उसे हमने क्या बोल दिया, उसे बोल दिया हमने टर्मिनल ब्रोंक्यूल। क्या बोल दिया हमने? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल की फर्दर ब्रांचिंग, यहां तक का जो पूरा पार्ट है रेस्पिरेशन में, यहां तक का जो पूरा पार्ट है, कहां तक का? नोज से लेकर के कहां तक, या नोज की जगह नोस्ट्रिल लिखता हूं ज्यादा ठीक रहेगा, एक्सटर्नल नेयर्स और नोस्ट्रिल्स टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ये पूरा का पूरा जो पार्ट होता है इसे हम बोल देते हैं कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग जोन या कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी ये पार्ट का काम क्या है, ये पार्ट का काम है कि जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से कहां तक पहुंच जाए, लंग तक पहुंच जाए। क्या इस वाले पार्ट में गैसेस एक्सचेंज होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। नो सर। इसके बाद वाला ये डेड स्पेस वॉल्यूम जो है वो इसमें ही होता है, इन्हीं में रहता है। इसके बाद वाली यदि हम पार्ट की बात करें तो कौन सा पार्ट, जो एल्वोलाई रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल टू एल्वियोलाई, ये वाला जोन जो होता है इसे बोलते हैं हम एक्सचेंज जोन। क्या बोलते हैं इसे? एक्सचेंज, एक्सचेंज जोन, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, इस तरीके से हम देखते हैं कि कंडक्टिंग जोन वाला पोर्शन है और एक्सचेंज जोन वाला पोर्शन है। कंडक्टिंग जोन वाले पोर्शन में जो ब्रोंकाई का पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, ट्रेकिया से लेकर के पूरा ब्रोंक्योल्स तक, टर्मिनल ब्रोंक्योल्स तक, ये वाला पोर्शन इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं ब्रोंकियल ट्री। देखो ये ब्रोंकियल ट्री है जहां पर ट्रेकिया डिवाइड हुआ और प्राइमरी ब्रोंकस से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्योल तक जो पूरा पार्ट बनता है उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं ब्रोंकियल ट्री। और इसके बाद वाला पार्ट जो होगा उसे क्या बोल दोगे, रेस्पिरेटरी ट्री। क्वेश्चन आता है कि बताओ कौन से पार्ट में गैसेस एक्सचेंज होता है, ब्रोंकियल ट्री में कि रेस्पिरेटरी ट्री में कि दोनों में, तो रेस्पिरेटरी ट्री जो है उसके अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है? तो ट्रेकिया और ब्रोंकाई वाली बातें समझ में आ गई, डिफरेंसेस भी समझ में आ गए। अभी तक क्या होगा, जैसे ट्रेकिया में सी शेप था कार्टिलेज, और ब्रोंकाई जो है उसके अंदर कंप्लीटली रिंग जो है वो, कंप्लीट रिंग जो है वो कार्टिलेज की प्रेजेंट होगी, ठीक है? अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ट्री और एल्वियोली की बात करेंगे। तो हमने क्या देखा कि जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है वो आगे किसमें कन्वर्ट, किसमें डिवाइड होता है, वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के अंदर डिवाइड होता है। अब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के अंदर भी कार्टिलेज रिंग होगी क्या? नहीं। देखो ये कार्टिलेज की रिंग प्रेजेंट है, तो ये क्या है, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है। देखो टर्मिनल ब्रोंक्यूल
कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट है। अब ये डिवाइड हुआ किसके अंदर, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के अंदर, ये है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, कार्टिलेजिनस रिंग एब्सेंट। अब यहां से गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, यहां से ही स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो है वो आगे जाकर के ओपन हो जाता है किसके अंदर, एल्वियोलर डक्ट्स के अंदर। एल्वियोलर डक्ट्स जो है वो ओपन होंगे किसके अंदर, एल्वियोलाई मतलब वो ओपन होगा एल्वियोलर सैक के अंदर, जिसके अंदर इंडिविजुअल क्या प्रेजेंट होंगे, एल्वियोलाई प्रेजेंट होंगे। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो है वो पहले, अच्छा एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई में क्या डिफरेंस है वो बता सकते हो क्या? तो बच्चा एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई में डिफरेंस बता सकता है क्या? बोलो। नहीं पता है क्या? ये पूरा का पूरा एल्वियोलर सैक है, ये पूरा का पूरा क्या है, एल्वियोलर सैक है। ठीक है, तो यहां पर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो है वो ओपन होगा पहले एट्रियम, एट्रियम से फिर ये ओपन होगा किसके अंदर, एल्वियोलर डक्ट के थ्रू, एल्वियोलर डक्ट के थ्रू चला जाएगा किसके अंदर, एल्वियोलर सैक, और इंडिविजुअल मेंबर जो है वो होता है एल्वियोलाई, ऐसा होता है, ये रेस्पिरेटरी ट्री। ठीक है, तो इस तरीके से एल्वियोलर डक्ट, इसकी ब्रांचिंग एट्रियम, एट्रियम अंदर जाकर के बहुत सारे डक्ट्स बना लेगा, वो डक्ट्स क्या हो जाएंगे, एल्वियोलर डक्ट, जो कि ओपन होगा किसके अंदर, एल्वियोलाई के अंदर। ये ग्रुप जो है उसे हम बोलते हैं एल्वियोलर सैक। ये देखो यहाँ पर, देखो ये ग्रुप जो है इस डायग्राम में बहुत अच्छे से बता रखा है, ये ग्रुप जो है उसे हम क्या बोल रहे हैं, एल्वियोलर सैक, और इस एल्वियोलर सैक के अंदर बहुत सारे क्या है, एल्वियोलाई है। लंग्स के अंदर क्या होता है, लंग्स के अंदर लोब है, और लोब के अंदर लोब्यूल्स होते हैं। ये डायग्राम देखो, लंग है ना, इसके अंदर ये बहुत सारे लोब हैं, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, ये तीसरा लोब है। लेकिन जब अंदर से स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर अंदर ही अंदर बहुत सारे सेप्टा बने होंगे, जैसे एक सेप्टा ये बना हुआ है मान लो, दूसरा सेप्टा ये बना हुआ है, तीसरा सेप्टा ये बना हुआ है, तो अंदर से बहुत सारे सेप्टा बने होंगे, लोब्यूल, लोब, लोब के अंदर लोब्यूल, और इस लोब्यूल के अंदर क्या है, ऐसे बहुत सारे एल्वियोलर सैक हैं, और इस एल्वियोलर सैक के अंदर क्या है, बहुत सारे एल्वियोलाई हैं। बात समझ में आ रही है क्या, क्या है, सबसे पहले लोब है, अंदर से लोब डिवाइड होंगे किसके अंदर, लोब्यूल्स के अंदर, इस लोब्यूल के अंदर क्या होगा, एल्वियोलर सैक होगा, और एल्वियोलर सैक के अंदर क्या होगा, एल्वियोलाई होगा। तो इस तरीके से स्पॉन्जी टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है क्या, लंग, जिसके अंदर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। अब ये जो लंग है इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखते हैं, मतलब इसकी कवरिंग जो होती है उसको सही से, यहाँ पर तुम देख रहे हो, एल्वियोलर डक्ट के बाद क्या लिखे थे आप पहले, इससे पहले जो लिखे थे, हाँ एट्रियम, एट्रियम जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है वो ओपन होता है एट्रियम के अंदर। ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एट्रियम, एट्रियम की ब्रांचिंग जो होगी उसमें बनेगी क्या, एल्वियोलर डक्ट और फिर एल्वियोलर सैक। थैंक यू, हो गया। अब देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात देखो कि लंग्स जो है इसके चारों तरफ क्या होगा, सीलोम बॉडी कैविटी होगी। अब दो लेयर है, ये बाहर वाली लेयर आउटर और ये इनर। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं हम, पेराइटल प्यूरा, और अंदर वाली जो होती है वो क्या होती है, विसरल प्यूरा, विसरल प्यूरा। किसकी बनी होगी दोनों, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, यस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है, पेराइटल प्यूरा और विसरल प्यूरा। इन दोनों के बीच में जो कैविटी होगी उस कैविटी को क्या बोलोगे, यहाँ पर ये जो कैविटी होगी उसे क्या बोलोगे, प्यूरल कैविटी, यस ये कैविटी जो है इसे बोलते हैं प्लूरल कैविटी। इस प्लूरल कैविटी के अंदर जो फ्लूड होता है उस फ्लूड को क्या बोलते हैं हम, प्लूरल फ्लूड, प्लूरल फ्लूड।
ठीक है। अब ये प्लूरल फ्लूड जो है वो क्या कर रहा है, एक्चुअल में टाइम टाइम पे ये प्लूरल फ्लूड जो है कुछ सेल्स जो है बना रही है और कुछ जो है वो क्या करती है, इसको एब्जॉर्ब करती रहती है। तो प्लूरल फ्लूड टाइम टाइम पे यहाँ से एब्जॉर्ब होता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक नेगेटिव प्रेशर जो है वो बनता रहता है। यहाँ पर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तभी इंस्पिरेशन में यहाँ पर हमें हेल्प मिलेगी नेगेटिव प्लूरल फ्लूड की वजह से, और ये जो लंग्स है उसको स्ट्रेच्ड रखेगा, ओपन रखेगा। ठीक है, तो इस कई बार बोलते हैं ना लंग्स में पानी भर गया है, दो चीजें होती है, एक तो कॉन्सल्टेशन होता है, जैसे निमोनिया का केस है उसके अंदर तो क्या होता है, अभी जैसे मान लो कोरोना वाला टाइम चल रहा है तुम देख रहे हो, तो कोरोना में क्या हो रहा है, बोल रहे हैं ना लंग्स खराब हो जा रहे हैं, लंग्स खराब हो जा रहे हैं, निमोनिया हो जा रहा है, क्या हो रहा है, ये जो एल्वियोलाई है इसके अंदर यहाँ पर भर जाता है, क्या यहाँ पर कुछ फ्लूड जैसा भर जाता है, म्यूकस जैसा भर जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन के लिए सरफेस एरिया जो है वो कम हो गया। अब यहाँ पर यदि कुछ भर गया तो क्या यहाँ से गैसेस एक्सचेंज होगा, नहीं हो पाएगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, एक तो ये होता है, इसको बोलते हैं लंग्स कॉन्सोलिडेशन। दूसरा क्या होता है कि यदि यहाँ पर प्लूरल फ्लूड का अमाउंट बढ़ जाए, प्लूरल इफ्यूजन, तो क्या बोलते हैं लंग्स में पानी भर गया, प्लूरल इफ्यूजन हो गया, तब फिर क्या करते हैं, तब यहाँ पर एक मतलब प्रोसीजर होता है जिससे हम इसको यहाँ पर पोर करते हैं, मतलब वो नीडल जैसा डालते हैं और ट्यूब से यहाँ से पानी जो है वो निकालते हैं, तो इस तरीके से होता है। तो प्लूरल कैविटी, प्लूरल फ्लूड जो है इनके बारे में ध्यान रखना क्या होता है। अब एल्वियोलाई की इंडिविजुअल एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एल्वियोलाई जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसा छोटा सा बलून जैसा है, और यहाँ पर जो एपिथीलियम है, अब एपिथीलियम की एक और बात जो मैंने अभी बताई नहीं थी सुन लो वापस से, जो पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है निजल चैम्बर से स्टार्ट करके ब्रोंकियोल्स तक जो एपिथीलियम होती है वो कौन सी होती है, PSCGE, जिसको हम क्या बोलते थे, रेस्पिरेटरी एपिथीलियम। क्या है पूरा नाम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथीलियम। ठीक है, ब्रोंकियोल्स तक। फिर क्या होता है, ब्रोंकियोल्स में ग्रेजुअली ये जो PSCG है वो कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद में क्यूबॉइडल एपिथीलियम में, सिंपल क्यूबॉइडल, कोलमनर से ही किसमें आ जाता है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम। और एल्वियोलाई में और रेस्पिरेटरी ट्री में ये एपिथीलियम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, यहाँ पर एपिथीलियम होगा कौन सा, स्क्वामस एपिथीलियम। और इस स्क्वामस एपिथीलियम में थोड़े थोड़े से पोर्स भी होते हैं ताकि यहाँ से गैसेस एक्सचेंज जो है वो इजिली हो पाए, तो यहाँ पर स्क्वामस एपिथीलियम जो है वो प्रेजेंट है जो एल्वियोलाई की लाइनिंग बना रहे हैं। इन सेल्स को क्या बोल देते हैं, न्यूमोसाइट्स। क्या है, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम। इस एपिथीलियम के अलावा यहां पर कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, उन सेल्स को क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, डस्ट सेल बोल देते हैं यहां पर, तो वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होगी। न्यूमोसाइट जो है वो दो टाइप के होते हैं, न्यूमोसाइट 1 और न्यूमोसाइट 2। ये ज्यादा होता है, ये कम होता है। इसका काम क्या है, ये हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में, जबकि न्यूमोसाइट टू जो है ये बनाता है सर्फेक्टेंट। क्या होता है सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट जो है वो कुछ केमिकल्स हैं, कुछ ऐसे केमिकल जो यहाँ पर सीक्रेट होते हैं और वो क्या करते हैं, वो इसका सरफेस टेंशन जो, इसको मॉइस्ट रखेंगे और सरफेस टेंशन जो है वो बढ़ा देंगे। जैसे साबुन है, साबुन तुमने हाथ में लगाया, फूक मारी, बलून फुला लिया तुमने, बबल बना लिया, बना लेते हो बबल, तो क्या काम है, वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर रहा है ताकि फूला हुआ रहे। तो बिल्कुल वही काम यहाँ पर कौन करता है, सर्फेक्टेंट, जो कि कौन सीक्रेट कर रहा है, ये न्यूमोसाइट टू सीक्रेट कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात, समझ गए क्या, एल्वियोलाई के अंदर जो एपिथीलियम होता है वो कौन सा होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम। और सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम में कुछ सेल्स जो हैं उनका काम तो सिंपल गैसेस एक्सचेंज के लिए जगह प्रोवाइड करना है, और कुछ सेल्स जो होती हैं वो यहाँ पर क्या बनाते हैं, कुछ केमिकल्स बनाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सर्फेक्टेंट्स। और सर्फेक्टेंट्स का काम क्या होता है, सर्फेक्टेंट्स जो है वो इसका सर्फेस टेंशन बढ़ाएंगे ताकि
ताकि ये बबल ये जो है वो इन्फ्लेटेड रहे, पिचके नहीं, ठीक है। साथ में यहाँ पर जो एल्वियोलाई होते हैं इनके आसपास कैपिलरी का नेटवर्क होता है, देख रहे हो ये डायग्राम के अंदर, यहाँ पर ये देखो कैपिलरी का नेटवर्क। तो कैपिलरी का नेटवर्क जो है वो इसके अराउंड जो है वो प्रेजेंट होगा, और वो कैपिलरी का नेटवर्क जो है यदि हम उसे ध्यान से देखें तो कैपिलरी जो है उसकी एपिथीलियम क्या होती है, बोलो, स्क्वामस। यहाँ पर भी क्या होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम, यानी दोनों ही लेयर जो है वो बहुत पतले पतले सेल्स की बनी हुई है ताकि क्या हो जाए, एक्सचेंज हो। यस, तो गैसेस एक्सचेंज हो, उसको इजी बनाने के लिए यहाँ पर सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम है, यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, O2 जो है वो एयर के अंदर जो O2 है वो इधर चली जाएगी और CO2 जो है वो यहाँ से बाहर आ जाएगी। तो ये फंक्शन जो है वो एल्वियोलाई परफॉर्म करता है, ऐसी होती है एल्वियोली की स्ट्रक्चर। क्लियर हो गई बात है, ठीक है, आगे देखें। चलो सर, अब इसके बेसमेंट है वो ऊपर मतलब बाहर की तरफ रहेगा ना। हाँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर साइड पे, यहाँ पर, हाँ ठीक है। चलो अब देखो थोरेसिक केज के बारे में, थोरेसिक केज जो है वो पार्ट है हमारे चेस्ट का जहां पर जिसके अंदर लंग्स और हार्ट ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। थोरेसिक केज जो है वो बनाते हैं कुछ स्ट्रक्चर, जैसे यदि हम बात करें कि थोरेसिक केज जो थोरेसिक केज मतलब जो यहाँ पर पिंजरा बन रहा है जिसके अंदर हमारा लंग है, उसका एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर का मतलब ये वाला पोर्शन, तो एंटीरियर पार्ट कौन बनाएगा, कॉलर बोन जिसे हम क्या बोल देते हैं, क्लेविकल और नेक वाला जो पोर्शन है वो इसका एंटीरियर पार्ट बना देगा। यदि मैं पूछूं कि पोस्टीरियर पार्ट कौन बनाएगा, डायफ्राम, यस डायफ्राम जो है वो पोस्टीरियर पार्ट बना देगा, बिल्कुल सही। देन इसके बाद में यदि मैं पूछूं डॉर्सल पार्ट, वर्टिब्रल कॉलम पीछे की तरफ ये वाला पोर्शन, डॉर्सल पोर्शन जो है वो कौन बना देगा, वो वर्टिब्रल कॉलम, और रिब्स भी तो पीछे की तरफ जाती, ठीक है। एंटीरियर पार्ट कौन बनाएगा, फ्रंट में यहां पर क्या होता है, स्टर्नम, और दोनों साइडों में स्टर्नम में रिब्स, और लेटरल साइड में इंटरकोस्टल मसल्स, यहाँ पर लेटरल साइड में क्या होंगे, बोलो, रिब्स ही होंगे, होगा कि नहीं। तो इस तरीके से क्या बन जाता है, इस तरीके से थोरेसिक केज जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। और हाँ बच्चे, रिब्स भी इंटीरियर में आएगा, एंटीरियर में आएगा, एंटीरियर में नहीं, नहीं एंटीरियर का मतलब ये वाला पोर्शन, नहीं आप ऐसे लिखते हो ना, नहीं एंटीरियर में, ओ रुको रुको रुको, ये एंटीरियर गलत लिख दिया, ये वेंट्रल लिखना, ये मिस्टेक हो गया, ये एंटीरियर नहीं होगा, ये वेंट्रल, डॉर्सल ये वाला, वेंट्रल आगे वाला जो हमारा सीने का आगे वाला पोर्शन जो है वो वेंट्रल होता है, ठीक है। तो उसमें स्टर्नम और रिब्स होगा और साइड में रिब्स होंगे। तो इस तरीके से हमारा थोरेसिक केज बन जाता है जिसके अंदर प्रेजेंट होगा लंग, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो थोरेसिक केज है इसके अंदर इसका साइज जो है वो कम ज्यादा होने की वजह से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जैसी प्रोसेस जो है वो होती है, उसको हम डिटेल में देखते हैं। मतलब डायफ्राम की स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसी होती है और किस तरीके से काम करता है, और यहाँ पर रिब्स जो है वो आपस में कैसे जुड़े हैं, किस तरीके से कैविटी का साइज बढ़ता है, वो हम देखेंगे अभी जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे रेस्पिरेशन की, ठीक है। आगे बढ़े, चलो तो फिर देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग और क्या बोल सकते हैं इसको, वेंटिलेशन। क्या होता है प्रोसेस, इसे बोलते हैं ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ। अच्छा, इससे पहले कि मैं तुम्हें ब्रीदिंग पढ़ाऊं, प्रोसेस स्टार्ट करो, एक बार स्टेप्स जो है वो देख लो पहले कि आखिर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन के।
रेस्पिरेशन ह्यूमन के अंदर जब हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो उसको मेनली हम थ्री स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, थ्री स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कौन कौन से हैं वो थ्री स्टेप्स? एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, और तीसरा स्टेप होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें से तीसरा स्टेप जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहला और दूसरा स्टेप हमें पढ़ना है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। ब्रीदिंग और वेंटिलेशन, और ब्रीदिंग और वेंटिलेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है? दो स्टेप होते हैं। क्या करते हैं इसके अंदर हम? इसके अंदर हम गैस को इनटेक करते हैं और एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। सांस अंदर लेना क्या बोलते हैं उसको? इंस्पिरेशन। और सांस को बाहर निकालना क्या बोलते हो? एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन किसका पार्ट हो गया? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग और वेंटिलेशन का। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है? अब ये जो एयर अंदर आया तो लंग्स और ब्लड के बीच में गैसेस एक्सचेंज होगा, यानी इंटरनल रेस्पिरेशन में हम क्या देखेंगे? यहां पर हम देखेंगे गैसियस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। एक ये होगा, दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा गैसेस एक्सचेंज। जब ये पहुंचेगा कहां पर? टिश्यू में, तो टिश्यू के साथ गैसेस एक्सचेंज करेगा, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ये होगा। और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हो जाएगा? यूटिलाइजेशन ऑफ O2 फॉर प्रोडक्शन ऑफ ATP। तो ये सारे स्टेप्स हैं किसके? रेस्पिरेशन हमारे अंदर, ठीक है। तो NCERT में तुमने ये इस तरीके से चार स्टेप की फॉर्म में दिया होगा, और इसे हम ग्रॉसली डिवाइड करें तो थ्री मेन स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। कॉस हो गया, कॉस हुआ है क्या? हाँ हाँ पॉज हो गया। मम्मी मैं चार कौन चाय बना रहा है मेरे यहाँ भी भेज देना भाई। हाँ बिल्कुल,
अरे तो सोने का टाइम है मेरे घर तो, अभी सब 6 बजे वाले चाहे तो। शांति ठीक है, दिख रहा है सबको स्क्रीन? यस सर। ओके, मुझे लग रहा है इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम की वजह से कट हो गया था। ठीक है, तो अब देखो प्रोसेस देख रहे हैं हम, ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। ब्रीदिंग और वेंटिलेशन, समझना। ब्रीदिंग और वेंटिलेशन क्या होता है, अभी मैंने बताया क्या है। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड लंग, इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एनवायरनमेंट या फिर एटमॉस्फेयर बोल सकते हो एंड लंग्स। अब जब हम सांस अंदर खींचते हैं उससे क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन। यानी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग जो है उसमें दो स्टेप्स होंगे। कौन कौन से स्टेप्स होंगे? एक होगा सांस लेना और एक होगा सांस छोड़ना। सांस लेना मतलब इंस्पिरेशन और सांस छोड़ना मतलब एक्सपिरेशन। और ये दोनों डायग्राम एनसीईआरटी के हैं जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे हम इंस्पिरेशन करते हैं, कैसे हम एक्सप्रेशन करते हैं। बहुत ध्यान समझना, समझने वाला कंसेप्चुअल पार्ट है ये। इंस्पिरेशन जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ इन, और एक्सपिरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं। इंस्पिरेशन जो है वो कम टाइम लेता है, 2 मिनट में हम इंस्पिरेशन करते हैं, एक्सपिरेशन कितने देर में होता है, 3 मिनट में होता है। सेकेंड। अच्छा कोई बच्चा मुझे एक बात बता दो, यदि 2 सेकेंड में सांस लेते हो, 3 सेकेंड में सांस छोड़ते हो, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हो?
दो सेकंड में हमने ब्रीथ इन किया, 3 सेकंड में हमने ब्रीथ आउट किया, इंस्पिरेशन में 2 सेकंड लगा, एक्सपिरेशन में 3 सेकंड लगा, बताओ टोटल कितना, 1 मिनट में कितनी बार सांस लोगे और छोड़ोगे? 12 बार सर, 20, 30 बार, 60 डिवाइडेड बाय 5 करोगे क्या? 60 डिवाइडेड बाय 5 करोगे क्या? बोलो ना, क्या हो जाएगा? ब्रीथिंग रेट जो है हमारा वो कितना होता है? 12 से 16 पर मिनट। 12 आएगा तो 12 से 16 बार सांस लेना, दैट इज वेरी नॉर्मल, ठीक है? तो हमारा ब्रीथिंग रेट जो है वो 12 से 16 पर मिनट होता है नॉर्मली। दौड़ और के आ जाओगे तब बढ़ जाएगा, वैसे नॉर्मली रिलैक्स कंडीशन में 12 से 16 होगा। जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो इंस्पिरेशन क्यों हो रहा है? अब बहुत ध्यान से समझना कंसेप्ट है, इंस्पिरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना? 760 और MMHG में 760। हाँ सर, ठीक है। तो उससे ना 2 mm लगभग कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला एयर अंदर चला जाएगा, तो प्रेशर ग्रेडियंट अंदर, हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाए तो एयर अंदर आ जाएगा, हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाए तो एयर बाहर चला जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो हमें कुछ ऐसी तरकीब सोचनी है जिससे कि हमारे लंग का के अंदर प्रेशर जो है वो कम हो जाए। वो कैसे कम हो सकता है? कि यदि हमारे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाए, इफ वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज इंक्रीज्ड, द प्रेशर इज डिक्रीज्ड, दैट अलाउज द एंट्री ऑफ एयर इन लंग्स। ये होगा कि यदि ये वॉल्यूम बढ़ जाए, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो एयर अंदर आ जाएगी। अब वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा, ध्यान देना। अब यहां पर क्या देख रहे हो, ये हमारे जो थोरेसिक केज है उसके अंदर वेंट्रल साइड पे स्टर्नम है और यहाँ पर रिब्स है, ऊपर की तरफ नेक हो गया, नीचे की तरफ डायफ्राम हो गया। तो ये डायफ्राम, सबसे पहले डायफ्राम की बात करेंगे। ये डायफ्राम जो है वो डोम शेप का होता है। कैसा होता है? डोम शेप का होता है। यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डायफ्राम जो है वो डोम शेप का है ऐसा। यहाँ पर लंग्स हैं, ये ऑब्लिक फिशर है, ये हॉरिजॉन्टल फिशर होता है, ये लेफ्ट लंग बना रहा हूं, यहां से ट्रेकिया जो है वो ब्रोंकाई में डिवाइड होकर के अंदर जा रहा है। यहां पर सिर्फ एक ही होगा, कौन सा वाला? ऑब्लिक फिशर। ये है क्या? ये है हमारा डायफ्राम, और डायफ्राम के अंदर एक मसल होती है यहां पर, फ्रीनिक मसल। क्या होता है, यदि ये डायफ्राम रिलैक्स कंडीशन में है तो ऐसा डोम शेप होगा, रिलैक्स है तब कैसा होगा? डोम शेप होगा। लेकिन यदि यहाँ पे मसल कॉन्ट्रेक्शन हो जाए इस डायफ्राम के अंदर, तो ये डायफ्राम जो है वो डोम शेप जो था वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा और अब कैसा हो जाएगा, अब ये खींच करके ऐसा हो जाएगा, फ्लैट जैसा हो जाएगा। यानी जब हमें सांस लेना होगा तब क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और डायफ्राम जो है जो पहले डोम वो इस तरीके का हो जाएगा, तो क्या इसका एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा क्या? बोलो, हो जाएगा कि नहीं? Yes, पहले कैविटी जो है उसका वॉल्यूम कितना था इसके अकॉर्डिंग, अब किसके अकॉर्डिंग हो गया, बढ़ गया। तो एंटीरियर पोस्टीरियर क्लेविकल है मान लो, तो एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है किसकी वजह से, डायफ्राम की वजह से। यानी जब भी डायफ्राम के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा तो वो क्या कर देगा, वो एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा। बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई बात सबको?
तो एक बात हमें यहाँ पे पता पड़ गई कि इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है। इंस्पिरेशन के टाइम पे एक जो फिनोमेना यहाँ पर होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम इंक्रीजेस द एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक केज। वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, एक ही। दूसरा क्या? दूसरा इंस्पिरेशन के अंदर हेल्प करता है, एक तो डायफ्राम हेल्प करता है, दूसरा हेल्प करता है इसके अंदर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। दो टाइप की मसल है जो रिब्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ध्यान रखना है इंस्पिरेशन में काम करता है कौन? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीजेस टॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम। अब क्या होता है देखो, जैसे हमारी रिब्स है, ये रिब्स है मान, ये स्टर्नम है, हाँ कैसे बताऊं, पड़ेगा, चलो ये स्टर्नम है मान लो, और यहां पर ना ये ऐसे रिब्स लगे, ठीक है, एक रिब, ये दूसरी रिब है, और यहां पर ना एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो इनसे कनेक्टेड है, मान लो कुछ इस तरीके से, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है। अब क्या हो यदि इस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन हो, तो क्या होगा? ये वाली रिब ऊपर खींचेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम बकेट का हैंडल देखते हो, सबके घर में बाल्टीन है, ऐसी बाल्टीन होती है, और इस बाल्टीन में क्या देखते हो, इस बाल्टीन में तुम देखते हो कि एक हैंडल लगा हुआ है कुछ इस टाइप से। जब इस हैंडल को हम उठाते हैं तो कैसे ऊपर जाती है? ये इस तरीके से ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगी और ऊपर की तरफ बढ़ेगी, होगा कि नहीं? एंटीरियर और अपवर्ड, फॉरवर्ड अपवर्ड, होगा कि नहीं? बिल्कुल yes. वैसे ही जब EICM कॉन्ट्रैक्ट करता है तो EICM में यदि कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ये किस तरफ बढ़ेगा, ये ऊपर की तरफ और आगे की तरफ बढ़ेगा। रिब्स एंड स्टर्नम आर रेज्ड, क्या होता है, रिब्स और स्टर्नम जो है वो ऊपर की तरफ उठते हैं, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, क्या हो जाएगा, ये वाला डायमीटर बढ़ जाएगा, ये वाला डायमीटर बढ़ जाएगा, ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, 2 mm अराउंड प्रेशर कम हो जाता है और एयर अंदर एंटर हो जाता है। क्या बात क्लियर हो गई सबको? इंस्पिरेशन कैसे होता है, समझ गए क्या? यस बिल्कुल सही। अब देखो इंस्पिरेशन यदि तुमको समझ में आ गया तो बस ये ध्यान रखना कि इंस्पिरेशन के टाइम पे डॉर्सो वेंट्रल डायमीटर जो है वो बढ़ाने में EICM, इंस्पिरेशन है लेकिन मसल का नाम क्या है, EICM, एक्सटर्नल वाली मसल जो है वो इसे हेल्प करती है। एक्सपिरेशन की यदि हम बात करें तो एक्सपिरेशन के लिए, नॉर्मल एक्सपिरेशन के लिए कोई मसल अलग से काम नहीं कर रही है, तो क्या हो रहा है, नॉर्मल एक्सपिरेशन के लिए ये दोनों मसल्स जो अभी कॉन्ट्रैक्ट की थी वो रिलैक्स हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, वापस से डायफ्राम ऊपर, रिब्स नीचे की तरफ, स्टर्नम नीचे की तरफ, और क्या हो जाएगा, जितना प्रेशर कम हुआ था उतना वापस बढ़ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? सो इफ मसल ऑफ डायफ्राम एंड EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्सेस the volume of thoracic cavity, the volume of thoracic cavity decreases pressure increases and leads to expiration. तो इस तरीके से expiration हो जाता है, यानी एक्सप्रेशन में क्या होगा, इंस्पिरेशन में जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई वो रिलैक्स हो जाए
तो एक्सपिरेशन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? नॉर्मल एक्सपिरेशन। जब हमें फोर्सफुल एक्सपिरेशन करना होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे अदर एब्डोमिनल मसल्स वगैरह का भी रोल आता है, और IICM इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। IICM का पूरा नाम क्या है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हेल्प्स इन फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन, जब हम जोर से सांस फूंकते हैं नॉर्मल से ज्यादा, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी एब्डोमिनल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। देखोगे पेट ऐसा लग रहा है कि दब रहा है, और क्या होता है, और यहाँ की भी मसल और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है, ताकि और ज्यादा रिब स्टर्नम नीचे आए, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रेशर और बढ़ेगा और हम फोर्सफुल एक्सप्रेशन कर पाएंगे। तो ध्यान रखना कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन में काम करता है, लेकिन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है वो फोर्सफुल एक्सप्रेशन में काम करता है। तो इस तरीके से ब्रीथिंग वाली प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। क्लियर हो गई सब बच्चों को बात? तो इस तरीके से हमने ब्रीदिंग और वेंटिलेशन वाली प्रोसेस है उसे आज पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में स्पायरोमेट्री बताऊंगा और कैसे गैसेस एक्सचेंज वगैरह होते हैं उनकी बातें करेंगे। ठीक है, चलो इतना अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, मिलते हैं कल। हाँ बच्चे, हेलो सर, टेस्ट में क्या आने वाला है? टेस्ट में प्लांट फिजियोलॉजी पूरा आएगा और डाइजेशन और रेस्पिरेशन आएगा। अच्छा, ये दोनों भी आएगा क्या? हाँ, ये दोनों भी आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो ओके बच्चों, बाय बाय। बाय बाय सर। ओके बच्चे, बाय बाय।